अभी हम यहाँ नई गाड़ी लेने आए हैं। अभी विशाल आ रहा है गाड़ी लेके, एंड आज का प्लान देखते हैं कैसा नहीं है कैसा है। एंड ये भी हमारी नई गाड़ी है, ये एक्टिवा कौन सी है? अबे जल्दी बोल, एक्टिवा 6Z, ये इस बाइक की नई है। और अभी विशाल अंदर गया है गाड़ी लेने के लिए, तो देखते हैं किधर जाते हैं किधर नहीं। सो 7 रुपये की बाइक लाए, उसको पेट्रोल भी लीजिए। हाँ तो आगे पे जाते हैं। नहीं ये देखो गाइस, अभी देखो पेट्रोल तो देखो, एक बार चाय ऑन और ऑफ करो। अब हो गया देखो, 1 लीटर सीधा ही गायब। निकल चुके हैं, आपने हमारे ब्लॉग में तो देखा होगा, अंदर हम जाते हैं और सीधा अंदर। क्या रे भीख मंग गया, क्या देख रहा है? ये आप लोग अभी देख सकते हो, वो भाई बहन अभी गाल देता कैसे गाड़ी चला रहा है। भाई हमारा तो कोई नहीं है, उसकी मम्मी पीछे बैठी हुई है, इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते। नहीं ऐसे ऐसे गाड़ी मत चलाओ यार, अपनी फैमिली को थोड़ा परवाह करो। हाँ आगे पीछे देख के चलाओ, कोई नहीं अभी उसको आगे जाके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 की स्पीड का बोर्ड है, लेकिन हमारी 40 से भी नीचे अभी आई है। पहुंचते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भगाते हैं, लेकिन ये मीटांशु अच्छे से सूट नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं गाइस। तो गाइस ये पिछला बाइक चलाते अच्छी नहीं चलाते, बहुत गड्ढे में कूदाते, गप गप का करे यार चलाने, सारे मुंह में मत रख के सामने का नहीं दिख रहा है। हाँ सामने का भी दिखाते, देखो ये लोग आगे लौटिया बाजी की बातें करते हुए, समझ रहे हो समझ रहे हो। मेरे लिए झुमके वाली है बहुत है, टेंशन मत लो, मेरे तो कोई है नहीं, मेरे तो डायरेक्ट टीवी आने वाली है। इतनी खुशी मुझे आज तक पसंद आनी चाहिए, हमारे लिए बहुत है, वो हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा एंड मैं आप लोगों को मिलाऊंगा बाद में, अभी नहीं, वो जिंदगी में मेरे को नहीं मिला, आपको क्या मिलाएगा। ये देख सकते हो उधर, हम लोगों को उधर जाना है। वाह
ये देख लो आप लोग क्या बोलते हैं, ये मुंबई हाईवे नेशनल 4, हम लोगों को उधर जाना है। इधर से डायरेक्ट जंप मारते, इधर से डायरेक्ट नीचे, वो उधर चला गया। इधर ए गाइस, इधर देखो गाइस, इधर इधर बोल, जूम कर रही सो गाइस, हमारे मितेश को वो उधर चल चुका है। भी देख सकते हो मैं और यहाँ से काफी अच्छा लुक आ रहा है। अभी हम लोग वापिस से नीचे जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पहले मंदिर जाना है, उसके बाद नहाने जाते हैं। एंड मंदिर की ऊपर की टोच दिख रही है वो उधर, लेकिन वो कौन सा मंदिर है वो पता नहीं है। मैं अभी उधर ना चला जाऊं दोस्त की तरह, वो दौड़ते दौड़ते उधर चला गया था पता नहीं कैसे। हम नहीं जाएंगे गाइस, हमें बहुत हम सावधान इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमने ट्रेनिंग प्रॉपर की है सावधान इंडिया की। ओ भाई इधर हमारे सारे बंदे अभी हम जाते हैं, ये सूट लेने में बिजी हो गया, चलो अंदर निकाल दिया, चलो भाई लोग। इधर देख सकते हो, हेलो हेलो हेलो, कैसी कैसी आवाजें निकल रहा है, आए देख लो ये क्या खराब है, देख सकते हैं। सो गाइस इधर जगह नहीं है, नीचे से निकल सकते हैं, नीचे से निकल सकते हैं। इधर तो बोल रहा अभी, और अभी सब लोग चले गए, हम बाकी है जाना, हम बहुत दूर आ गए, उधर जाना है और हम लोगों ने गाड़ी बहुत दूर पार कर दी। चलो गाइस कूद जाओ, हम आ चुके हैं और इधर साले मंदिर में आए तो भी ये साला गाइस ये लोग मेरे को मार रहे, और बैटरी भैया बचाओ ना यार, अरे तू जा रही मिला देना, हम इसको पानी में ले जाके क्या करते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, उठा उठा के फेंकेंगे। ये नेशनल हाईवे 4 है, इस पे है ना टू व्हीलर बंद हो जाएगी जब ये स्टार्ट हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब लोग स्कीट मारने बहुत आते हैं, ये देख सकते हैं इधर। अभी हम लोग है ना रेसिंग करने वाले, ये मतलब दौड़ने वाले, ये देख सकते हो इधर इधर एंड इधर। ए तू बोल ला, एक बे त्रण ना हो, रन तो गाइस ये लोग बहुत नहाते हुए बहुत दौड़ते हुए आगे पहुंच गए, हम शांति से जाते हैं। झुमके वाली सही बोलती है कि भागते रहा करो, एक्सरसाइज करते रहा करो। आगे बोल नहीं बताओ, इसको भी अभी तक भी देखना है, अभी इसी को नहीं पता गाइस, वो सीक्रेट है गाइस, बनाएगी। रुक जा रुक जा, ये अभी पहुंच चुके हैं देख लो, ये हम बहुत दूर से भाग कर आए। ऊपर यार तू केरियस बता ना, काटे तो बताई
अरे तू जा रही मेरे लोग क्लोज हूँ मने नहीं किया मैं रोज करूंगा एक्सरसाइज तेरे लिए टेंशन मत ले भविष्य में वो बहुत काम आएगी एक्सरसाइज फरार और राजू की तरह एक साला मर मर के जीता है एक साला डर डर के जीता है ये राजू ये फरान आमिर खान उसका नाम पता नहीं मूवी में क्या था ऑल इज वेल सो है ना अभी हम लोग जा रहे हैं कोटना उधर देखते हैं अच्छा हो कोटना बीच भाई भाई कोटना बीच बोल यार हाँ कोटना बीच जा रहे हैं उधर नहाएंगे थोड़ा सा ये हमारे नए मेंबर पीछे है तीनों तीन और इधर ओल्ड मेंबर इधर ओल्ड मेंबर ओल्ड है हमारा बीच वाला छोड़ू बच्चों की सीरीज वाला ठीक है तो भाई ये बीमार था अब अच्छा हो गया इधर आप पूरी तरह अब नहाने जाते नहाने को मना कर रहा है पर हम खींच के ले जाएंगे और आपको पता है हम नहाते समय पिता के साथ क्या करते है आपने दो ब्लॉग में तो देखा होगा नहीं गाइस अभी मेरे को नहीं जो सिटी गाइस भूल जाते हो यार पोइचा में नहीं था इसलिए पोइचा का बदला मैं आज लूंगा मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है गाइस मैं रह नहीं सकता मेरी तबीयत अभी बहुत डेंजर है अरे यार इतनी धूप में नहाना तो अच्छा होता है सब बीमारियां दूर हो जाती है ऐसे धूप में नहाओ तो ठंडी के मतलब ठंड सुबह में लगती है दोपहर में नहीं लगती है गाइस तेरे को तू एजल वाली यदि मैं बह भी गया तो भी मैं तेरे को बचा लूंगा मैं भी संभाल लूंगा तो मेरा छोटा भाई संभाल लेगा ये है रास्ता ये है हम कोटना बीच जा रहे हैं और ये है उसका रास्ता इधर देख सकते हो पानी दिख रहा है ज्यादा होगा सुखी जगह पे जाएंगे इधर कोटना बीच है अभी हम लोग इधर भी नहा सकते हैं सामने है, लेकिन इधर सब ये क्या बोलते हैं ना वो बोट और सब बोट चलाते हैं उधर एंड हम लोग ये देखो उधर नहाएंगे उधर अब इधर देख सकते हो ये यहाँ बोलते देख लो ये रहा केबीसी कैफे के कोटना में थोड़ा अपग्रेड हो चुका है कोटना तो हम लोग अभी नहाने जा रहे हैं तो फोन वोन मुके दो लावे ये भाई नहाने नहीं जा रहा है तो इसको फोन पकड़ चलने मितन तो आने इसको भी ले सकते ट्रेंडिंग में तो हमने तो मुकी दे बदो अंदर अभी ये सब निकालना पड़ेगा गाइस अभी इसको धीरे धीरे रेडी कर रहे हैं अंदर अंदर डाल देंगे पैंट काले गीला कर देंगे बूट एंड चप्पल सब इधर ही रखने का यार ये नहीं हो सकता केस दिया है अभी तक गया नहीं है किसका लव बाइट है दिखाओ 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 गाइस कलर है अभी तक लव बाइट है इधर लव बाइट गया नहीं हमारी गैंग सब नंगे पुंगे हो चुके हैं आपको दिखाता हूँ ये देखो गाइस सब लखे लोग अपन के ठंडू चेला ना घरे सारे बंदे हो रहे और
इधर मैं और मितांशु है, इधर मैं हूँ, इधर मितांशु है, बस हम दोनों ही है। कैसा लग रहा है ये देख सकते हो आप लोग। सच में बोल के बहुत मजा आया तेरे को, मजा आया पर फेफड़ा बाहर आ जाता है। प्यारा प्यारा अंदर डाला के ओ भाई इसको भी बहुत मजा आया, सबको बहुत मजा आया। वो लग रहा है लेजी फील लग रहा है। क्या बात कर रहे हो, थोबड़ा काला हो गया है ये, वो किसी तरह से क्या थोबड़ा तो एकदम चमक रहा है, लेकिन है ना गाइस चिकना हो गया वो, गाइस सेटिंग नहीं है इसलिए ठीक है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इसकी मेरे को चाहिए भी नहीं, लेकिन बहुत बहुत थकान महसूस हो रही है हम लोगों को, क्योंकि ना कि अचानक से निकले, पूरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। उधर वो भागे ने उसके बाद हालत खत्म, अभी खाना पड़ेगा और कुछ एनर्जी लानी पड़ेगी, अच्छे से खाएंगे पेट भर के तब जाके एनर्जी आएगी।